नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद यूपी में हर तरफ भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी में दबंगों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला एटा से सामने आया। यहाँ एक भारतीय नौसेना के सैनिक की जमीन पर गांव के ही दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। कई बार जिला प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित जवान अब मजबूर होकर कलेक्ट्रेट धरने पर बैठ गया है। इसके बाद सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर परिवार सहित धरने पर बैठा व्यक्ति भारतीय नौसेना का जवान पुरुषोत्तम गांधी है। वह मुंबई में नौसेना में सैनिक के पद पर तैनात है। उसकी जमीन पर गांव के ही दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। जवान का कहना है कि वह कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते अपने गांव नहीं आ पाया। इसी का फायदा उठाते हुए दबंगों ने उसकी 3 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित सैनिक जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से कई बार न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में तंग आकर उसने धरना देना शुरू कर दिया। धरने पर बैठने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद एटा के जिला अधिकारी ने मामले की एक जांच टीम गठित कर जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वही पीड़ित सैनिक और उनकी पत्नी ने न्यूज 18 से बातचीत में अपनी पीड़ा बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब यूपी में योगी की सरकार है तो इन दबंगों को सही सबक जरूर मिलेगा। अब यूपी में कोई भी गुंडा हो या कोई भी दबंग हो, वो योगी और यूपी के पुलिस से थर थर कांपता है। तो ऐसे में ये भू माफिया भी ज्यादा दिन तक दबंगई नहीं दिखा पाएंगे। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।